यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर राफेल विमान खरीद सौदे में आरोप लगाए हैं और ये आरोप बहुत गंभीर लगाए हैं। दलाली तक के आरोप कह डाले। कांग्रेस सरकार के समय में हुए समझौते को मोदी सरकार ने अपनी सुविधा अनुसार बदलकर महंगे सौदे कर देश का नुकसान किया, ये भी कहा गया। और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने ये कहा कि सरकार समझौते में हुए घालमेल को छिपाने के लिए इसके गोपनीय का हवाला दे रही है। जब रक्षा मंत्री एके एंटोनी जी थे, एक राफेल खरीदने के लिए 526 करोड़ रुपया खर्च करना था और आज 4 साल बाद जब वो समझौता होता है तो एक राफेल खरीदने के लिए 1670 करोड़ रुपया जो खर्च करना था उसके बीच में ये अंतर क्यों आया? मोदी साहब इस जवाब से बच रहे हैं ये कहकर कि ये सीक्रेट डील है। हमको सीक्रेट से कुछ नहीं लेना। देश की जनता और देश की संसद ये जानना चाहती है कि 1670 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया। हमारे समय 36 जो राफेल खरीदे जाने थे वो 18,126 करोड़ रुपए के खरीदे जाने थे और इनके समय तकरीबन 60,000 करोड़ के राफेल खरीदे जाने हैं। जो 41,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है।